हेलो एवरीवन, नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर ऑफ क्वालिटी, द बुक ऑफ हनीकॉम्ब। तो जैसे कि पहले मैम ने आपको पढ़ा ही दिया होगा इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर का ट्रांसलेशन मैम ने आपको कर ही दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में इस चैप्टर का ट्रांसलेट आपको कर देती हूँ। हनीकॉम्ब चैप्टर से लिया गया, हनीकॉम्ब बुक से लिया गया चैप्टर क्वालिटी की जो स्टोरी है, ये दो भाइयों के ऊपर बनी हुई है, जो कि दो भाई थे और उनकी जो शॉप थी वो शूज़ की शॉप थी और वो बहुत ही अच्छे लेवल पर अपने शूज़ बनाते थे। तो ऑथर है वो बार बार उनके शॉप्स में जाता था और उनके शॉप्स में जाकर के वो अपने शूज़ ख़रीदता था, क्योंकि उसको जो है उन शूज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसलिए ऑथर जो है कहता है, लेखक कहता है कि मैं बार बार उनकी शॉप्स में जाता था और उनकी शॉप्स में जा कर के वो शूज़ ख़रीदता था, और वो शूज़ ख़रीदने के बाद मुझे ज़्यादा दिनों के बाद उनकी शॉप में नहीं आना पड़ता था, क्योंकि उनके शूज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि वो टूटते ही नहीं थे। और जो कंपनीज शूज़ बनाती हैं उनके अकॉर्डिंगली उनकी शूज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। तो वो दो भाई मिल करके वो शॉप्स चलाते थे। थोड़े टाइम के बाद जब वो ऑथर उसकी दुकान शॉप पर आता है तो वो देखता है कि खाली एक ही भाई उसकी उस शॉप पर है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, आपका जो भाई था वो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो ऑथर को बोलता है कि जो मेरा भाई था वो अब नहीं रहा, इसलिए मैं ही ये शॉप चलाता हूँ। तो ऑथर जो है बहुत उदास मन से चला जाता है, शूज़ जो उसे लेने होते हैं वो ले लेता है और फिर वो चला जाता है। उसके बाद वो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर आता है, और थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर आकर के जब वो आता है तो उसको शूज़ में से थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है, कि जैसे कि शूज़ में से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो वो उनको बोलता है, गैसलर को बोलता है कि मुझे शूज़ में से थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो गैसलर जो है वो शॉक्ड हो जाता है। गैसलर बोलता है कि हम तो ऐसे इस क्वालिटीज़ के शूज़ ही नहीं बनाते हैं जो कि इनमें से कुछ भी हमें शिकायत या कस्टमर हमारा कंप्लेन करे, लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो आप ऐसा करिएगा कि वो शूज़ आप लेकर के आ जाइएगा, अगर उसमें से आवाज़ आएगी तो मैं आपको उतनी ही कीमत जितनी की शूज़ की है वो मैं आपको लौटा दूंगा। तो ऑथर कहता है कि वो अपनी ये बात कहकर गैसलर के सामने काफ़ी शर्मिंदा होता है। फिर वो जो है अपने होम लौट जाता है। फिर वो काफ़ी टाइम के बाद फिर आता है, तो वो देखता है, बहुत टाइम के बाद वो आता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर क्या है, वो शॉप्स तो है बट वहाँ पे गैसलर नहीं है। तो वो देखता है, ढूंढता है गैसलर को कि गैसलर कहाँ पर है, कुछ लोगों से पूछता है, अंदर शॉप में जाता है। तो वो शॉप में अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ना तो गैसलर है ना गैसलर का भाई है, और जबकि कोई और है जो कि शॉप के अंदर है। तो वो उनसे पूछता है, उनको बोलता है कि ये तो गैसलर की शॉप थी, गैसलर कहाँ है। तो वो जो आदमी होते हैं, जो शॉपकीपर होता है, वो बोलता है कि जो गैसलर जिसकी ये शॉप थी वो अब नहीं रहा। तो ऑथर जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो बोलता है कि आपके पास कैसा है ये शॉप। तो वो कहता है कि ये शॉप हमारे पास आ गई, हमने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि जो गैसलर था वो बहुत ज़्यादा मेहनती था और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपनी शॉप्स के ऊपर, अपने प्रोडक्ट पे जो कि वो जिसका प्रोडक्शन करता था उसकी क्वालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत करी। लेकिन उसने गलती एक ये करी कि उसने एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, और एडवर्टाइजमेंट ना करने की वजह से उसको जो है उसकी ये शॉप जो है आगे नहीं बढ़ पाई, यानी कि इसकी उसकी इस शॉप पर हमने कब्ज़ा कर लिया। तो ऑथर जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा उदास मन से चला जाता है। तो ऑथर वहाँ से उसकी शॉप पर से चला जाता है, मन ही मन काफ़ी उदास रहता है। और वो जो शॉपकीपर होता है जो, वो भी यही बोलता है कि उसके जैसे शूज़ जो हैं कोई बनाता ही नहीं है, वो खुद ही इतने अच्छे शूज़ बनाता था। और ये बात ऑथर भी मान लेता है और अपने उदास मन से वहाँ से लौट जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर। So first question is here, what was the author opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? क्या opinion था
ऑथर का मिस्टर गैसलर के रूप में, यानी कि वो जो एक बूट मेकर थे उनके उनका जो उनके रूप में ऑथर का क्या ओपिनियन था, क्या समझते थे उनको ऑथर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर मिस्टर गैसलर वॉज द बेस्ट शू मेकर इन द सिटी। तो ऑथर के अकॉर्डिंग जो मिस्टर गैसलर थे वो सिटी के सबसे अच्छे शू मेकर थे, सबसे अच्छे जूते बनाने वाले थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और जो है उन्होंने जो ऑर्डर हमेशा किया तो वो कभी भी अनफिट नहीं हुआ, उनको कभी ऑर्डर अनफिट नहीं हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छे शूज़ बनाते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होते थे। ही वॉज द परफेक्ट आर्टिस्ट इन दिस जॉब। और वो अपनी जॉब के परफेक्ट थे, अपनी जॉब में वो इस काम में महानता हासिल थी उनको। क्वेश्चन नंबर टू है, Why did the author visit the shop too infrequently? इसका मीनिंग है कि ऑथर क्यों बार बार उनकी दुकान में जाते थे। तो ऑथर क्यों बार बार उनके शॉप्स में जाते थे। The boots made by Mr. Gessler lasted trebly last longer than the usual, like having something beyond temporary. Therefore, the author visit the shop is infrequently. It is the meaning of, इसका मीनिंग है कि ऑथर जो है बार बार क्यों जाते थे उनकी शॉप में। तो ऑथर बार बार उनकी शॉप में इसलिए जाते थे क्योंकि ऑथर को नहीं लगता था कि उनके जैसा शूज़ बनाने वाला कोई और है। उनके जो शूज़ की क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ऐसी क्वालिटी उनको कहीं बाहर नहीं मिलती थी। और वो टाइम पर इसलिए तो टाइम टाइम बाद इसलिए जाते थे क्योंकि जो उनके उनके बनाए हुए गैसलर के बनाए हुए जो शूज़ थे वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते थे। जब वो लंबे टाइम तक चलते थे तो उन्हें शूज़ की ज़रूरत ही नहीं होती थी और जो है वो कहीं और से शूज़ ख़रीदते ही नहीं थे। वो सिर्फ गैसलर के पास से ही शूज़ ख़रीदते थे क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है सिटी में बेस्ट होती थी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जब ऑथर ने मिस्टर गैसलर को बोला कि उसके एक जोड़ी जूतों के बारे में जब उन्होंने रिमार्क किया, उन्होंने बोला कि मुझे उसमें से आवाज़ें आती हैं, तो मिस्टर गैसलर को कैसा लगा, क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है, व्हेन ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स मिस्टर गैसलर सरप्राइजिंग लुक्ड एट हिम फॉर अ टाइम टू विदड्रॉ फॉर क्वालिटी और क्वालिटी हिज स्टेटमेंट। आफ्टर दैट ही आस्क्ड दैट ऑथर टू गेट द पेयर बैक एंड इफ ही कुड डू नथिंग ऑफ देम देन ही वुड टेक देम ऑफ हिज बिल। उन्होंने कहा उनके ऊपर, उन्होंने जैसे ही बोला ऑथर ने, तो मिस्टर गैसलर ये सुन करके आश्चर्यचकित हो गए, वो सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन शूज़ में से आवाज़ आती है तो वो पेयर ऑफ शूज़ आप मेरी शॉप पर लेकर के आइए। अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ सच में इसमें से आवाज़ आती है तो मैं उसके पूरे पैसे आपको रिटर्न कर दूँगा। यानी कि उन्हें अच्छा नहीं लगा था। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, व्हाट वाज गैसलर कंप्लेन अगेंस्ट बिग फर्म। जो मिस्टर गैसलर थे वो क्या कंप्लेन करते थे बिग फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी उनके बारे में मिस्टर गैसलर क्या कंप्लेन करते थे। तो मिस्टर गैसलर उनसे खुश क्यों नहीं थे। मिस्टर गैसलर कंप्लेन अगेंस्ट बिग फर्म्स दैट दे डिड नॉट हैव सेल्फ रेस्पेक्ट। मिस्टर गैसलर जो है ये कंप्लेन करते थे बड़ी बड़ी फर्म्स की कि उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। दे गॉट देयर बिजनेस बाय एडवर्टाइजमेंट। वो अपना बिजनेस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही चला रहे हैं, अपना काम जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर रहे हैं। वो बड़े बड़े ऐड बनाते हैं और अपने जो वर्क है उनके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं देते हैं। Every year, the sale of Mr. Gessler is getting less because of them and soon he will left with no job. और हर साल the sale of Mr. Gessler is getting less. Mr. Gessler की जो सेल थी वो कम होती जा रही थी क्योंकि वो क्या करते थे, वो एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करते थे अपनी कंपनी का और बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी क्वालिटीज जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराते थे। लेकिन किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो उन्हें लगता था कि ये धोखा है कि मैं बड़े बड़े ऐड बनाऊं और अपनी क्वालिटी जो है वो ख़राब कर दूं, तो वो ऐसा नहीं करते थे और बड़े बड़ी फर्म्स के लिए यही वो शिकायत करते थे कि ये वो लोग ऐसा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम।
तो जो ऑथर हैं वो बहुत सारे शूज़ के मिस्टर गेसलर को ऑर्डर देते थे, तो क्या रियली क्या सच में उन्हें इतने सारे शूज़ की ज़रूरत होती थी जितने वो ऑर्डर देते थे, बहुत सारे ऑर्डर देते थे उन्हें मिस्टर गेसलर को? तो इसका आंसर है द ऑथर गॉट शॉक्ड एंड फील देम सॉरो व्हेन ही न्यू अबाउट द डेथ ऑफ मिस्टर गेसलर एल्डर ब्रदर। तो जो ऑथर थे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने ये सुना था, और दुख की लहर में डूब गए थे तब उन्होंने ये सुना था कि मिस्टर गेसलर के जो बड़े भाई हैं वो अब नहीं रहे हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प हिम ही ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, नो ही डिड नॉट रियली नीड देम। तो उन्हें लगता था कि शायद मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें बहुत सारे शूज़ बनाने के ऑर्डर देते थे ताकि वो उनकी हेल्प कर पाएँ। हाँ, रियली में उन्हें इतने सारे शूज़ की ज़रूरत नीड नहीं होती थी। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर अप हो गए हैं, आई होप कि ये आपके समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।